दोस्तों, मैं आज आप लोगों को पावर पॉइंट में बहुत ही यूनिक कम डाउन टाइमर बनाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे अपना यूट्यूब चैनल @TechMitra। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जो है इस तरह का एक इमेज डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और इस तरह का इमेज आपको सबसे पहले जो है क्लॉक का आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। ये क्लॉक वाला जो इमेज है दोस्तों, आप ये कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। पिक्साबे लिख करके गूगल में सर्च करेंगे तो आपको दोस्तों pixabay.com की वेबसाइट आएगा, इस पर आप आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है क्लॉक CLOCK क्लॉक PNG, ठीक है। क्लॉक PNG लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों आप एंटर। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह के इमेज आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको जो भी इमेज पसंद हो वो इमेज आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप इस इमेज के ऊपर क्लिक करें। इमेज पे क्लिक करने पर दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देगा फ्री डाउनलोड, इस पर आप क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देगा डाउनलोड, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये कैप्चा आपको फिल करना है, तो यहाँ पे दोस्तों आप चेक टिक लगा देंगे। और चेक टिक लगाने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का सवाल आपसे पूछेगा कि, तो आप इस कैप्चा को फिल कर लेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों आप कैप्चा को वेरीफाई कर देंगे और देन दोस्तों आप डाउनलोड पे क्लिक करके इस इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप इसे जहाँ भी सेव करना चाहें आप इसे सेव कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों सबसे पहले आपको क्लॉक की इमेज डाउनलोड कर लेनी है। इमेज डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप अपने लैपटॉप या पीसी में पावर पॉइंट ओपन करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप एक ब्लैंक स्लाइड लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको अपना टाइमर बनाना है। टाइमर बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेप का ऑप्शन मिलेगा, सेप पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से दोस्तों आप एक ओवल सेप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप शिफ्ट को दबा के रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे छोटा सा एक ओवल शेप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ओवल शेप ड्रॉ करने के बाद दोस्तों आप यहाँ से स्लाइड को थोड़ा सा जूम कर लेंगे ताकि हम इसे अच्छे से देख सकें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे जूम कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। उसके बाद दोस्तों आप अलाइन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप इसे सेंटर कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों वापस से आपको अलाइन पर क्लिक करके इसे मिडिल कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों अगर आप इसे और बड़ा बनाना चाहते हैं तो और बड़ा बना सकते हैं, या तो दोस्तों आप और छोटा बनाना चाहते हैं तो आप इसे और छोटा बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको जितना भी बड़ा बनाना है वो आप अपने हिसाब से इसे बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप इस शेप के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप फॉर्मेट टैब में रहते हुए सेव फिल में आएंगे। सेव फिल में दोस्तों ये जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है यहाँ आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको एक पिक्चर का ऑप्शन दिख रहा है, पिक्चर के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगा फ्रॉम ए फाइल, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने इमेज को जहाँ भी डाउनलोड करके रखा है उस इमेज को आप सेलेक्ट करेंगे और देन दोस्तों आप इसे इंसर्ट करा लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप शेप आउटलाइन में आएंगे और यहाँ से दोस्तों आप शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। इतना करने के बाद दोस्तों अब इसमें हमें सुइयां बनानी है, यानी कि घड़ी की सुइयां बनानी है। सुइयां बनाने के लिए दोस्तों आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेफ ऑप्शन मिलेगा, सेफ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एरो जो है मिल जाता है, एरो सेफ, इस पर आप क्लिक करके इसे सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद दोस्तों आप इस तरह से एक एरो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद दोस्तों आपको सेव फिल में जाना है और यहाँ से दोस्तों इसमें आपको अपने पसंद का कलर फिल करा लेना है, ठीक है। सेव फिल इस तरह से आप करा लेंगे। सेव आउटलाइन में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों आप नो आउटलाइन सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है ये घड़ी की सुइयाँ बन जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप इसे पकड़ के यहाँ पर लेकर के आएंगे और यहाँ दोस्तों आप बिल्कुल मिडिल में यहाँ पर रख लेंगे। और यहाँ पे दोस्तों ये जो लाइनें आपको दिख रहा है, अगर आपके पावर पॉइंट में इस तरह की लाइन नहीं दिख रही है तो दोस्तों आप व्यू टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों ये जो ऑप्शन है इसे आप चेक टिक कर देंगे, तो दोस्तों ये लाइन यहाँ पे दिखने लग जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से दोस्तों आप ये कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो हमने शेप यहाँ पे बनाया है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल डी दबा करके इसकी एक डुप्लीकेट बना लेनी है। और उसके बाद दोस्तों ये जो हैंडल आपको दिख रहा है इससे पकड़ के दोस्तों आपको इस तरह से यहाँ पे घुमा लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या तो दोस्तों आप फॉर्मेट टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों आप जो है फिलिप वर्टिकल इसे रोटेट कर लेंगे, और उसके बाद दोस्तों आप इसे पकड़ के यहाँ पे इसे रख लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से, ओके। उसके बाद दोस्तों आप इन दोनों शेप को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इन दोनों शेप को सेलेक्ट करेंगे, अलाइन में जाएंगे, उसके बाद दोस्तों आप इसे सेंटर कर देंगे, और उसके बाद दोस्तों आप कंट्रोल जी दबा करके इन दोनों का ग्रुप बना लेंगे। इन दोनों का ग्रुप बनाने के बाद दोस्तों आप इस शेप के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप एनिमेशन टैब पे क्लिक करेंगे। एनिमेशन टैब पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर लेना है, और देन दोस्तों आपको स्पिन एनिमेशन इसमें अप्लाई कर देना है कुछ इस तरह से। तो इस तरह से दोस्तों आप इसमें स्पिन एनिमेशन अप्लाई कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है एनिमेशन पेन, इस पर क्लिक करके दोस्तों आप एनिमेशन पेन को शो करा लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा नीचे की घड़ी की सुइयां हैं दोस्तों, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों सिर्फ यही शेप हमारा सेलेक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग फॉर्मेट टैब पे क्लिक करेंगे, शेप फिल में जाएंगे, और यहाँ से दोस्तों हम लोग नो फिल कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों शेप आउटलाइन में जा करके नो आउटलाइन कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम इसे प्ले करके देखें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही सुई जो है यहाँ पे घूम रहा है। तो ये हमारा दोस्तों एक सुई बन गया है। उसके बाद दोस्तों हमें वापस से इंसर्ट शेप पे क्लिक करना है, शेप ऑप्शन में जाना है, और यहाँ से दोस्तों हमें फिर से जो है एक एरो की सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद दोस्तों आप फिर से आप इस तरह से एक एरो ड्रॉ कर लेंगे, शेप फिल में जाएंगे, और इसमें दोस्तों आप जो भी कलर फिल कराना चाहें आप वो शेप फिल करा सकते हैं। शेप आउटलाइन में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों आप नो आउटलाइन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप इस शेप को पकड़ के यहाँ पे लेकर के आएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे आप इसे रख दीजिए, ठीक। उसके बाद दोस्तों आप कंट्रोल डी दबा करके इसकी भी डुप्लीकेट ले लेंगे, और उसके बाद दोस्तों आप रोटेट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से दोस्तों आप फ्लिप वर्टिकल कर लेंगे, ठीक है। और इसे भी दोस्तों आप यहाँ पे इस तरह से रख लेंगे, ठीक है। ये जो रेड वाला घड़ी की सुइयां है इस पर आप क्लिक करेंगे, शिफ्ट को दबा के रखेंगे, और फिर दोस्तों हम लोग नीचे वाले जो ये जो सेफ है इस पर भी क्लिक करेंगे, और इस तरह से ये दोनों सेफ हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम कंट्रोल जी से इसकी ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप बन जाने के बाद दोस्तों हम इसे इस तरह से थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह से इसे रोटेट कर लेंगे, और उसके बाद दोस्तों हम लोग एनिमेशन टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, और इसमें भी दोस्तों हम लोग स्पिन एनिमेशन अप्लाई कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा सेफ है, ठीक है, ये हमें पूरा नहीं चाहिए, तो ये जो दूसरा सेफ है दोस्तों आप इस पर डबल क्लिक करें, तो सिर्फ ये वाला सेफ सेलेक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों फॉर्मेट टैब पे क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों सेफ फिल में जाना है, और यहाँ से दोस्तों आपको नो फिल कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों वापस से आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, शेप में जाना है, और यहाँ से दोस्तों आपको एक ओवल शेप सेलेक्ट करना है, और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे छोटा सा एक डॉट टाइप का जो है एक छोटा सा यहाँ पे जो है शेप ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरह से। उसके बाद दोस्तों आप शेप फिल में जाएंगे, यहाँ से दोस्तों आप एक इसमें कोई भी कलर फिल करा लीजिए। शेप आउटलाइन में जाएंगे, और यहाँ से दोस्तों आप नो आउटलाइन कर लेंगे। सेफ फिल में दोस्तों जाकर के मैं कोई दूसरा कलर फिल करा लेता हूं ताकि ये अच्छे से दिखे। इस तरह से आप करा लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप इसे पकड़ेंगे और यहां ला करके दोस्तों आप इसके ऊपर यहां पे एकदम बिल्कुल सेंटर में रख लेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर ये सेंटर में नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप अलाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से दोस्तों आप सेंटर कर लेंगे, और अलाइन पे क्लिक करके दोस्तों आप मिडिल कर लेंगे, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। शेप आउटलाइन में जाएंगे दोस्तों, आप चाहें तो इसमें शेप आउटलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो आप अपने हिसाब से दोस्तों ये सारी चीज़ें कर लेंगे। अब दोस्तों हमने ये जो पहला एनिमेशन लगाया है इस पर हम क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हम कितना देर तक टाइमर चाहते हैं, ठीक है, कितने सेकंड तक टाइमर लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों वो यहाँ पे हम दे देंगे। इसमें दोस्तों हम 20 दे देते हैं, ठीक है, नीचे वाले में,
और ऊपर वाले में दोस्तों हमें 20 नहीं देना है, यहाँ पे दोस्तों मैं 5 दे देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। चलिए अब एक बार दोस्तों हम लोग इसका प्रीव्यू देख लेते हैं, कुछ इस तरह से ये हमारा चलने लग गया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे दोस्तों अगर ये ब्लैक वाला सुइया चल रहा है तो ये सुइया नहीं चल रही है, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये जो सुई है रेड वाला इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों ऑन क्लिक है तो हम यहाँ कर देंगे विथ प्रीवियस, ठीक है। और ऊपर वाला एनिमेशन में भी दोस्तों हम लोग कर देंगे आफ्टर प्रीवियस, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसे प्ले करके देखते हैं, तो ये देखिए ये थोड़ा स्पीड घूम रहा है और छोटी सुइयाँ दोस्तों थोड़ा स्लो घूम रहा है, ठीक है। अच्छा ये सिर्फ एक ही चक्कर लगा रहा है, तो दोस्तों हम चाहते हैं कि ये कई चक्कर लगाए, तो हम क्या करेंगे, ये जो बड़ी वाली सुइयाँ हैं इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और इसी को हम चाहते हैं कि ये जो है कई चक्कर लगाए, तो हम लोग रिपीट इफेक्ट अप्लाई करेंगे। रिपीट इफेक्ट अप्लाई करने के लिए दोस्तों आप इस एनिमेशन पे डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का विंडो ओपन होगा। टाइमिंग में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको रिपीट का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और ये आप कितना जो है चक्कर लगवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों मैं 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ कि ये 5 बार घूमे तो ये छोटी सुई एक बार घूमे। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ से ओके क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा चक्कर लगाना शुरू करेगा, ठीक है। तो इसे मैं प्ले करता हूँ, यहाँ पे मैं करंट स्लाइड पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से जो है हमारा टाइमर बन गया है, ठीक है। तो ये हमने दोस्तों थोड़ा सा छोटा बनाया है ताकि हम इसे क्विज पीपीटी में अच्छे से इंसर्ट कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से आप बना लेंगे। अगर दोस्तों आप इसमें कुछ साउंड इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो दोस्तों आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो पहला एनिमेशन है इस पर दोस्तों आप डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह का विंडो ओपन होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे साउंड ऑप्शन मिलेगा, तो साउंड ऑप्शन पे आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से आप अदर साउंड क्लिक करेंगे, ठीक है। अदर साउंड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इसमें आप जिस तरह का तो आप जो लगाना चाहें जैसा लगाना चाहें दोस्तों आप यहाँ पे उस तरह का साउंड लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ मैं 10 सेकेंड वाला ही लगा लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से। हाँ यही वाला मैं लगा लेता हूँ, तो इस तरह से इसमें लग जाएगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आप चाहते हैं कि जैसे ये टाइमर एंड हो तो ये सभी चीज़ें यहाँ से गायब हो जाए और यहाँ पे लिखा जाए टाइम्स अप, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद दोस्तों शेप में जाएंगे। शेप में जाने के बाद दोस्तों एक ओवल शेप लेंगे और यहाँ दोस्तों हम एक ओवल शेप इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसे रख लेते हैं। अगर दोस्तों ये छोटा हो रहा है तो हम लोग शिफ्ट को दबा के रखेंगे, कॉर्नर से पकड़ के इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इसको बढ़ा लेने के बाद दोस्तों हम लोग अलाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम सेंटर कर लेंगे। अलाइन में जा करके दोस्तों हम इसे मिडिल कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों सेफ इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों हम लोग शैडो में जाएंगे और ये वाला जो शैडो है दोस्तों इनर वाला ये शैडो हम इसमें अप्लाई कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टाइम्स अप, TIMES टाइम्स UP अप, ठीक है। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग होम टैब पे क्लिक करके इस फॉन्ट का साइज कम कर लेते हैं कुछ इस तरह से। हाँ इस तरह से आप कर लेंगे। इसे दोस्तों आप बोल्ड करना चाहें तो दोस्तों आप बोल्ड कर सकते हैं और इसमें दोस्तों आप अपने पसंद का फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर लेंगे। अच्छा इसका कलर दोस्तों अगर आपको चेंज करना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, सेफिल में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों आप आई ड्रॉपर उठाएंगे और यहाँ से दोस्तों आप जो भी कलर इसमें देना चाहें वो कलर आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों मैं आई ड्रॉपर लेता हूँ और यहाँ से दोस्तों मैं ये कलर जो है ग्रे कलर इसमें इसका जो वॉच का कलर है ये कलर इसमें मैं फिल करा लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और देन दोस्तों सेंड टू बैक कर देंगे, ठीक है। और ये जो वॉच है दोस्तों हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग सेंड टू बैक कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे। अच्छा उसके बाद दोस्तों इतना होने के बाद दोस्तों ये जो हमारा सेफ है, ठीक है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इसमें भी दोस्तों हम लोग एक एनिमेशन लगाएंगे, तो इसमें दोस्तों हम लोग एपीयर एनिमेशन लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग दे देते हैं आफ्टर प्रीवियस,
ठीक है। और देन दोस्तों हम इन सभी को एक बार सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। एक बार हम सभी को सेलेक्ट करेंगे और ऐड एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से दोस्तों आप एग्जिट वाला एनिमेशन जो है एक वाइल एनिमेशन इसमें लगा देंगे, ठीक है। एग्जिट वाला में आप इस तरह से ये ताकि गायब हो जाए, ठीक है। और इसमें दोस्तों हम लोग जो है आफ्टर प्रीवियस यहाँ से रख लेते हैं, ठीक है। ये जो सबसे ऊपर वाला जो एनिमेशन है लाल वाला, इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से दोस्तों हम लोग इसमें आफ्टर प्रीवियस एनिमेशन दे देंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा सभी चीज़ें बन जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक बार मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये जो है पावर पॉइंट में कम डाउन टाइमर बन जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप कम डाउन टाइमर बना लेंगे और फिर आप इसे अपने क्विज वाले पीपीटी में इंसर्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा क्विज पीपीटी, इसे हमने ओपन कर लिया है। दोस्तों अभी हमने जो क्विज टाइमर बनाया है दोस्तों, मैं इसी क्विज पीपीटी में उसे सेट करूँगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं व्यू टैब पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं स्लाइड मास्टर में जाऊँगा, ठीक है। स्लाइड मास्टर में दोस्तों हमें ये चारों स्लाइड बनी बनाई मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम आ जाएंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम टाइमर को सेट कर लेते हैं। तो टाइमर सेट करने के लिए दोस्तों हम उस वाले पीपीटी में आते हैं, ठीक है। इसे मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और हमने जो दोस्तों टाइमर जो बनाया है यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ से दोस्तों मैं इस टाइमर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद दोस्तों मैं उस वाले पीपीटी में आ जाऊँगा, ठीक है, जो हमने पहले से बना के रखा है क्विज वाली, इसमें आ जाता हूँ और यहाँ आ कर के दोस्तों मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद दोस्तों मैं इसे पकड़ के जहाँ भी लगाना चाहूँ मैं यहाँ पे इस तरह से इसे लगा लेता हूँ, कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हमने ये टाइमर लगा दिया है। अब दोस्तों यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ और बाकी सभी स्लाइड में दोस्तों मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से मैं इसमें पेस्ट कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों एनिमेशन टैब पर क्लिक कर लेता हूँ और एनिमेशन पेन ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे दोस्तों एक बार देख लूँगा कि हाँ यहाँ पे हमारा एनिमेशन वगैरह भी लग गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप क्विज टाइमर को यहाँ पे सेट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप व्यू टैब पे क्लिक करके आप यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी सभी स्लाइड में जो है ये टाइमर लग गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप स्लाइड शो पे क्लिक करके इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हमारा सवाल आ गया, उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ये हमारा सभी ऑप्शन यहाँ पे देखिए आ गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक टाइमर चलना शुरू हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आपको जो भी सही आंसर बताना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बी ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो ये दोस्तों आंसर गलत है, ठीक है। अगर ए ऑप्शन सही है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये ग्रीन हो जाएगा और बाकी जो भी गलत आंसर होगा तो ये सभी रेड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों इस तरह का ये जो है पीपीटी है। बाकी देखिए फिर यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सवाल आ गया और इनके सभी ऑप्शन आ गए, ठीक है। और सभी ऑप्शन आने के बाद दोस्तों ये हमारा टाइमर चल गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 20 सेकेंड का टाइमर रखा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा जो है 20 सेकेंड लेने के बाद ही जो है यहाँ पे टाइम्स अप होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से हो रहा है। 20 सेकेंड तक ये हमारा दोस्तों इस तरह से ये प्ले होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ये हमारा टाइम एंड हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं जैसे ही सही आंसर पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा इस तरह से ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप पीपीटी में क्विज भी बना सकते हैं। इसके बारे में मैंने ढेर सारी वीडियो बना रखी है और ये यूनिक टाइप का जो क्विज टाइमर है ये भी दोस्तों मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। तो आई होप दोस्तों कि आप इसे अपने सिस्टम में ट्राई करेंगे, आप भी बनाएंगे और इसे अपने क्विज पीपीटी में लगाएंगे। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर हमारा मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप एडटेक मित्रा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।